नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आप चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के सच्चे फैन हो तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने 400 लाइक्स का रखा है, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको आईपीएल 2021 के दूसरे हाफ के पहले और सबसे रोमांचक मुकाबले में कौन सी टीम किस टीम पर भारी है और इस दुबई के अंतर्राष्ट्रीय मैदान में कैसा होगा पिच और मौसम का हाल, उसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन दोस्तों आप इस पहले और सबसे रोमांचक मुकाबले में किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो, मुंबई या फिर चेन्नई, आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों इस वीडियो में हमने आपके लिए एक बड़ा गिव अवे भी रखा है, तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों आईपीएल 2021 के दूसरे हाफ का पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। यह मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। दोनों टीमें भारत में खेले गए आईपीएल 2021 के पहले हाफ में एक बार आमने सामने आ चुकी हैं। इस मैच में मुंबई ने जीत दर्ज की थी, ऐसे में चेन्नई अवश्य पिछली हार का बदला लेना चाहेगी। जैसे मैंने आपको बताया कि अब आईपीएल का सीजन आ चुका है, इस आईपीएल के सीजन में मैं एमपीएल पर फैंटेसी क्रिकेट खेलने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। दोस्तों एमपीएल पर खेलने के तीन बड़े कारण हैं, जिसमें से पहला बड़ा कारण ये है कि एमपीएल ने क्रिकेट इतिहास में पहली बार अपना सीजन पास लॉन्च किया है। इस सीजन पास के जरिए आप करोड़ों के कॉन्टेस्ट में एक अच्छे खासे डिस्काउंट के साथ पार्टिसिपेट कर सकते हो। वहीं दोस्तों कई ऐसे लाखों के टूर्नामेंट आप फ्री में खेल सकते हो। और दोस्तों एमपीएल पर खेलने का दूसरा बड़ा कारण यह है कि एमपीएल पर हर रोज आप 10 करोड़ तक जीत सकते हो। तो दोस्तों देर किस बात की, जल्दी डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से एमपीएल को डाउनलोड करें। भले ही मुंबई इंडियंस ने आईपीएल के इतिहास में 5 बार खिताब पर कब्जा किया है, लेकिन इस सीजन में चेन्नई की टीम का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। पॉइंट टेबल में दूसरे नंबर पर मौजूद चेन्नई ने इस सीजन के 7 मैचों में 5 मैच जीते हैं, जबकि मुंबई की टीम 7 मैचों में 4 मैच ही जीत सकी है। चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच हेड टू हेड में रोहित शर्मा की टीम का पलड़ा भारी रहा है। आईपीएल के इतिहास में दोनों टीमें अब तक 31 बार आमने सामने आई हैं, जिसमें से 19 मैच मुंबई ने जीते हैं, तो सिर्फ 12 मैचों में चेन्नई को जीत मिली है। इसके बाद मैं आपको एमपीएल के बारे में एक और बड़ी बात बताने वाला हूं, जो मुझे खास करके पसंद है। दोस्तों इस ऐप पर आप 10 या 20 नहीं बल्कि अपने 99 टीमें बना सकते हो। अन्य फैंटेसी ऐप की तरह यहां पर कोई रोक टोक नहीं होती है। दोस्तों आप जितने टीम बनाओगे उतना जीतने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। दोस्तों मैंने पिछले मैच में 18 टीम्स बनाई थी और उन टीमों में से मेरी 16 नंबर वाले टीम ने मुझे 9,000 रुपये जिता दिए, इसीलिए इस मैच में मैं 22 टीम बना के खेलूंगा। तो चलिए दोस्तों एमपीएल पर टीम बनाना कितना आसान है वो आपको दिखाता हूँ। दोस्तों दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के पिच काफ़ी स्लो रहती है, ऐसे में यहाँ स्पिनर्स को मदद मिलने की उम्मीद है। आईपीएल 2020 में इस मैदान पर स्पिनर्स को कुल 94 विकेट मिले थे। हालांकि शुरुआती ओवर में पिच से तेज गेंदबाजों को भी मदद मिलने की उम्मीद है। इस मैदान पर पहली पारी में औसत स्कोर 172 रन है। लेकिन दोस्तों हमारा मैच प्रेडिक्शन मीटर बता रहा है कि इस मैच में चेन्नई सुपर किंग्स का पलड़ा भारी है। हालांकि मैच के रोमांचक होने के पूरे आसार हैं, तो दोस्तों आइए एक नज़र डालते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 पर। आपको बता दें कि चेन्नई की संभावित प्लेइंग 11 में रॉबिन उथप्पा, ऋतुराज गायकवाड़, मोइन अली, सुरेश रैना, अंबाती रायडू, रविंद्र जडेजा, एमएस धोनी, ड्वेन ब्रावो, शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर और इमरान ताहिर होंगे। उसके बाद दोस्तों ये होगी मुंबई की प्लेइंग 11। जी हां आपको बता दें कि मुंबई की संभावित प्लेइंग 11 में क्विंटन डिकॉक, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, कृणाल पांड्या, कायरन पोलार्ड, हार्दिक पांड्या, नाथन कोल्टन नाइल, राहुल चाहर, जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट होंगे। इसके बाद मैं आपको एक बड़ा सरप्राइज भी देना चाहूँगा। जी हाँ अब दोस्तों आप एमपीएल का गिव अवे जीत सकते हो, जिसमें आपको मोबाइल फोन्स, विराट कोहली के साइन मर्चेंडाइज भी जीत सकते हो। जी हाँ दोस्तों आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर जाकर सिंपल स्टेप्स फॉलो करके आपकी एमपीएल एंट्री हो जाएगी। धन्यवाद।